स्कूली बच्चों को ऑटो में ओवरलोड ले जाने को लेकर आज ट्रैफिक पुलिस ने जांच अभियान चलाया। इस दौरान दस्तावेजों की जांच कर ओवरलोड वाहनों में बैठे स्कूली बच्चों को पहले उनके घर पहुंचाया गया, इसके बाद वाहनों को थाने में खड़ा करवाया गया। एनडीटीवी संवाददाता ने मौके पर मौजूद ट्रैफिक टीआई राहुल पांडे से कार्रवाई को लेकर बातचीत की है, क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। ट्रैफिक पुलिस द्वारा स्कूली छात्र जो बच्चे हैं उनमें जो वाहन जाते हैं ओवरलोड वाहन को चेकिंग की जा रही है यहां पर, और तमाम सारे गाड़ियों की चेकिंग की गई है, ओवरलोड बच्चे भी पाए गए, क्या कार्रवाई की गई, क्या हुआ? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो ऑटो है या इको वैन है, मैजिक गाड़ियाँ हैं, उसमें जो संख्या से अधिक बच्चे बैठा के चल रहे हैं उनकी जाँच की जा रही है, उनको हिदायत भी दी जा रही है, उनके माँ बाप जो पेरेंट्स उनसे ही बात की जा रही है कि आप लोग संख्या से अधिक ऑटो में बच्चे ना बैठाएं, खासकर जितने भी ऑटो चले उनके दस्तावेजी की जांच भी की जा रही है कि कोई दस्तावेज में कोई कमी तो नहीं है, और ऐसी कोई कमी पाए जाने पर चलानी कार्रवाई भी की जाएगी और की जा रही है। सर, अभी जो वाहन ओवरलोड बच्चे हैं, बच्चों को क्या गाड़ी जब्त किए हैं या बच्चों को घर भिजवाए हैं, क्या कहा? जिसमें संख्या से अधिक बच्चे थे उनकी हमने जो गाड़ी है उसको अपना स्टाफ बैठाकर पहले बच्चों को उसके उनके संबंधित जगह पर छोड़ा जाएगा, उसके बाद उस गाड़ी को थाने में लाया जाएगा, संबंधित दस्तावेज चेक किए जाएंगे, जो कहीं पाई जाएगी उसमें विधिवत कार्रवाई की जाएगी। कितने वाहनों की जांच हो चुकी है? तकरीबन एक दर्जन वाहनों की जाँच। कार्रवाई अभी रहेगी, बच्चों को छोड़ दें उसके बाद थाने में कार्रवाई होगी। ये है ट्रैफिक टीआई राहुल पांडे जी, जिन्होंने बताया यहाँ पर कि एक दर्जन से ज्यादा वाहनों की यहाँ पर जांच की गई है, और जिसमें चूंकि ओवरलोड जो बच्चे थे उन ऑटो वालों को बच्चों को पहले घर भिजवाकर और उन्हें थाने लाकर उस वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। कटनी से राम बिहारी गुप्ता, एनडीटीवी।